देख रहे हैं हम आजकल माइनॉरिटीज के ऊपर जो एक स्कूलों में जो अत्याचार हो रहा है, कहीं स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, कहीं टीचर्स के साथ हो रहा है, तो फिर इसी तरह हमारा जो एक कारवा चल रहा है उसी कारवे में हमसे आज एक और पीड़ित टकराई है जो कि एक टीचर है जिनकी एक जर्नी जो है वो बहुत दुखद है। आइए जानते हैं उन्हीं से। जी, मेरा नाम उम्मे कुलसुम है और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद शकीलुद्दीन है, जो एक मिल्लत स्कूल के असिस्टेंट टीचर है। मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी वाली अभी बीएड कर रही है, सेकंड वाली बीसीसीए सेकंड ईयर में है। मैम, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपको अपनी लड़ाई शुरू करनी पड़ी, तो थोड़ा विस्तार से बताइए आप। एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ, यानी इसका मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आता। मीन्स मैंने कहाँ से स्टार्ट करना। जैसे जब मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ, एक्सपायर्ड हुए, उसके बाद से ये मेरा शुरू हो गया स्ट्रगल। उसके बाद यानी मेरे को मेरे हस्बैंड का, क्योंकि जो जॉब था वो 2017 में उनका इंतकाल हुआ, 2005 के बाद उनका अपॉइंटमेंट था, तो वो एक्सपायर्ड होने के बाद में ना हमको पेंशन थी और जॉब तो चले गया था, तो इसकी वजह से फिर हमको बहुत सारी परेशानियां। तो वो तो ऑब्वियसली एक इंसान जब चले जाता है तो पूरा घर को तो सफर करना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने डीएड करा, क्योंकि अनुकंपा में ऐसा है कि भाई जिसका इंतकाल होता है या एक्सपायर्ड होते हैं तो उनकी जगह उनकी वाइफ को दी जाती है। तो मेरे को कई लोगों ने बोला कि भाई ऐसे कि आप डीएड कर लो तो आपकी जगह, आपके हस्बैंड की जगह आपको मिल जाएंगी। और मेरा मेन बस यही अभी चल रहा है कि भाई मेरे मेरे हस्बैंड की जगह जो है वो मेरे को मिलनी चाहिए। मैंने डीएड कर लिया, लेकिन जो स्कूल के मैनेजमेंट है और जो है, तो उन लोग वो जगह मेरे को नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब ये देता हूँ कि उनके चौहर के इंतकाल के बाद पहले तो 6 महीने तक के अंदर उन्होंने अनुकंपा में डिमांड करनी थी, मगर उन्होंने की नहीं। उसकी वजह यह है कि शी वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी पोस्ट इन आवर स्कूल। वो प्राइमरी की पोस्ट के लिए भी लाइबल ने अपने लिए वो नहीं थी, एलिजिबल नहीं थी। अब उसके बाद उन्होंने 2022 में डीएड किया और डीएड करने के बाद उन्होंने अनुकंपा की डिमांड की। हमने पूरा काम शासन के सुपुर्द सौंप दिया। आज तक शासन के यहाँ से हमको ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम से मैट्रिक है और रूल के मुताबिक हमारा स्कूल प्राइमरी जो है उर्दू मीडियम का स्कूल है, तो हम एक इंग्लिश मीडियम की टीचर उर्दू प्राइमरी में फिट नहीं होती लीगली, समझ में आया। एक बात, दूसरी बात, आपने क्या प्रश्न किया आज? हाँ बोलिए ना। उन्होंने आप पर ऐसा आरोप लगाया कि किसी न किसी वजह से आपने उनको अनुकंपा में शामिल नहीं होने। वो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है, उसका बिल्कुल आरोप झूठा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप क्या उस जगह के लिए एलिजिबल है? हाँ, मैं एलिजिबल भी हूँ, मेरा डीएड भी हो चुका है और जेडपी से इनको दो ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि आप इनको दो, जेडपी के ऑर्डर्स को भी ये नहीं मान रहे हैं उन्होंने। इनको दो ऑर्डर्स आ चुके हैं कि ये जो उम्मे कुलसुम है अनुकंपा में इनका हो रहा है, तो आप इनको, यानी आपके अगर आपकी स्कूल में अगर वैकेंसी है तो आप पहले इनको एडजस्ट करो, उसके बाद दूसरों को लेना। लेकिन ये उस रूल को भी यानी एक तरह से उल्लंघन ही कर रहे हैं ना, वो मान ही नहीं रहा है उसको। क्योंकि मैंने जब जैसे जो वहाँ के संचालक है वो मेरे जेठी है, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई है, वो सेक्रेटरी है मिल्लत हाई स्कूल के, तो उनको मैंने पहले ही बोली थी बुलाकर कि भाई मेरे को अब जैसे हो गया तो मेरा यहाँ पर कर दो कहीं यहाँ पर इंतजाम, जब मेरा डीएड नहीं हुआ था। तो उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि हमारे स्कूल में जगह वगैरह नहीं है और मैं आपको वहां तो दे नहीं सकता, दूसरे स्कूल में अगर आप बोलो तो मैं चल के बात कर दूंगा कि भाई मेरे स्कूल में जगह है ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने, भाई बाहर कोर्ट तो मैं जाऊंगी ना, अगर एक इंसान नहीं दे रहा है तो वो तो मेरा हक है, गवर्नमेंट मुझे दे रही है, आपको कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। और अगर वो सैलरी भी है तो वो भी गवर्नमेंट ही दे रही है, आपके पास तो कुछ जा ही नहीं रहा है, और आप तो मेरे को कॉपरेट करना चाहिए, तो आप मेरे इसमें रोड़े पैदा कर रहे हो। यानी गवर्नमेंट बोल रही है, दो लेटर्स आ चुके हैं जेडपी के, सब हो चुका, और वो जो लेटर्स है वो सब जो फाइल है वो सब सबमिट कर चुकी हूँ मैं, उनके पास भी है उसका प्रूफ, जो लेटर्स आया, बिकॉज एक लेटर मेरे को आता है तो उनको भी आता है, तो वो लेटर्स उनको भी आ चुके हैं और उनको पता है कि जेडपी से हमको ऑर्डर है। अच्छा, ये जो ZP से जो ऑर्डर आए थे मैम, तो ये कौन से साल में आए थे? वो मेरे को 2022 में भी आए हैं अच्छा, और 2023 में भी आए, अभी यानी 2 साल में वो मेरे दो यानी ऑर्डर्स बाईस आए। तेईस दो हाँ आए हाँ हैं, हाँ 21 में तो आया है, एक 22 में आया। एक और 21 में इन्होंने एक जब 22 में। मैंने मैंने जैसी डीएड में एडमिशन ली थी वैसी मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने एडमिशन लिया हुआ है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, हर चीज की मैं खबर इनको दे रही थी।
बिकॉज यहाँ 3 वैकेंसी निकली मेरे हस्बैंड के बाद में, और एक मेरे हस्बैंड का जब इंतकाल हुआ वो तो एक वैकेंसी थी, वो हाई स्कूल की थी तो उन्होंने उनके लिए लिया, लेकिन जो मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो था वो 3 वैकेंसी यहाँ पर निकली थी, तो वो वैकेंसी होने के बावजूद भी मुझे नहीं लिए उन्होंने, नहीं लिए। जेटपी ने अपना दामन बचा के आदेश दिया है, जेटपी को हमने पूरा रिकॉर्ड दे दिया है, उसकी शैक्षणिक पात्रता क्वालिफिकेशन वाज नॉट फिट फॉर उर्दू मीडियम, उन्होंने लिखा कायदे परमाने नियुक्ति दिया हुआ, तो हमने जेटपी से कहा कि आप ऐसा लिखो कि उसके पास शैक्षणिक पात्रता ना भी हो तो आप आदेश दे दिए तो हम रख लेंगे, क्योंकि कल अगर सैलरी की रिकवरी निकली तो हम कहां से देंगे, तो ऐसा आदेश शिक्षण अधिकारी ने आज तक दिया नहीं। फिर दूसरी सवाल यह है कि उनके हस्बैंड के मरने के बाद प्राइमरी में हमने 7 शिक्षक अपॉइंट किए, अगर हमारा केस वहां चल रहा था तो शिक्षण अधिकारी ने उनमें से किसी एक का अप्रूवल रोक लेना था, उसने रोका क्यों नहीं। दूसरी बात, उसने तो एक सरप्लस टीचर भी भेजा, हमने रखा, तो वो सरप्लस टीचर ना भेजते हुए आदेश लिखता कि इसकी जगह उनमें कुलकुल को रख लो, हम तो आदेश को पालन करने वाले हैं ना, सैलरी तो हम नहीं देते ना, हम नहीं देते, और हम नहीं देते ना मैडम जी। ठीक है, अब उनका जो और आरोप है बताइए ना, मेन आरोप तो आप पूछ ही नहीं रहे। तो सुना आपने कि किस तरीके से जी उम्मे कुलसुम मैम के साथ जो एक हादसा हुआ था, जो उनके शोहर जो गुजर गए थे, उसके बाद जो अनुकंपा की एक जो एक जगह होती है कि शोहर के या बेटे के जो भी है उसके गुजर जाने के बाद उसके घर वालों को एक जॉब दी जाती है, उस जॉब को हासिल करने के लिए मैम ने एजुकेशन पूरा किया, जेटपी से उनको लेटर्स भी आए, स्कूल को भी इंटीमेट किया गया, उसके बावजूद भी मैम को उनका हक नहीं मिल रहा, आखिर वजह क्या हो सकती है।